नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं टारगेट क्रैक एग्जाम। दोस्तों, रेलवे भर्ती 2018 RRB ALP एंड टेक्नीशियन CN 1/2018 वाले कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही बड़ी यहां पे न्यूज है। जी हां दोस्तों, यहां पे ट्रेनिंग की नोटिस जारी की गई है, जिसमें कैंडिडेट्स के साथ मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है। इस नोटिस को देख के ये भी नहीं लग रहा है कि 2020 में नया बैच स्टार्ट किया जा सकता है। तो क्या है पूरी डिटेल, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जो मैंने आपको बोला था कि अब तो जग जाइए, तो आपके जगने का टाइम आ गया है, वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे कि मैंने जेन्युइन बात की, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये नोटिस दिखा देता हूँ, जो कि NCR उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है, अपूर्ण प्रशिक्षण कोर्स की परीक्षा पूर्ण करने के संदर्भ में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9/9/2020 की ये नोटिस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न कोर्सों का परीक्षण प्रशिक्षण विद्युत परीक्षण केंद्र में, जैसा उसके बाद COVID-19 के कारण ऑनलाइन द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था, जिसकी लिखित मौखिक एवं प्रयोगात्मक परीक्षा अपूर्ण है, जिसको पूर्ण कराने के लिए निम्न तिथियों संकलन के अनुसार सुनिश्चित की गई हैं। विद्युत प्रशिक्षण केंद्र भेजने से पहले सभी परीक्षार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण केंद्र आते समय अपने साथ मास्क, हैंड वॉश, सैनिटाइजर और छोटी बोतल मतलब पॉकेट साइज हो, चादर, तकिया कवर, पानी की बोतल, गिलास, चम्मच इत्यादि अपने जरूरत के सामान COVID-19 से बचाव हेतु अपने साथ अवश्य ले आएं, तथा इस पत्र के साथ संलग्न SOP का प्रशिक्षार्थियों द्वारा पूर्ण रूप से पालन करना सुनिश्चित किया जाए। दिए गए घोषणा पत्र को पूर्ण रूप से भरकर अपने साथ ले आएं। साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे एक और यहाँ पे लिखी गई है, जो कि अभी नए प्रशिक्षु हैं उनके लिए अति शीघ्र नए प्रशिक्षु सहायक लोको पायलट का शेड्यूल जारी किया जाएगा। एक तरह से लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया आपको कि अति शीघ्र जारी किया जाएगा। दूसरी जो नोटिस दिखाता हूँ, उससे चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगी मैं इसको लॉलीपॉप क्यों बोला हूँ। ये देखिए दोस्तों, दूसरी यहाँ पे नोटिस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी अगर मैं बात कर लूँ 9/9/2020 का ही है। 8 तारीख से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 तारीख से ही यहाँ पे बैच स्टार्ट हुआ है। बट ये टोटल बैच जिनकी ऑलरेडी ट्रेनिंग के लिए शेड्यूल जारी हो चुका था, मतलब पुराने कैंडिडेट्स जो ट्रेनिंग पे थे उन्हीं सब के लिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 8 तारीख से ही, मतलब कल से ही हो गया, बट ये 9 तारीख को इन्होंने डाला है वो अलग बात है, पहले इनको बुला लिया गया था। 8 से 15, 9 से 12, मतलब जिसका जैसे जैसे ट्रेनिंग बाकी था उतने उतने के लिए बुलाया गया है। यहाँ पे फेलियर वाले कैंडिडेट्स हैं 1, 3, 2, जिनको 14 से 15, 14 से 15 और 8 से 15 के लिए बुलाया गया है। वहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी आप लोग डाउट होगा कि PE और CE क्या है। दोस्तों, ये कन्वर्जन कोर्स वाले हैं और ये PE कोर्स वाले, तो उसमें ज़्यादा कुछ आपको अंतर नहीं है। आपका बैच होता है उस हिसाब से इन्होंने दिया है, मतलब कोर्स के हिसाब से ही कन्वर्जन उसको बना दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख लीजिए 16/9 से 19/9, वैसे ही सेम 16/9 से 19/9, 14/9 से 28, मतलब आप पूरा यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है इन्होंने क्या शेड्यूल बनाया है। मतलब सीधा 17/12/2020 तक तो इन्होंने जो पुराने बैच थे उसी का दे दिया। अब बात आती है कि क्या नए बैच का 2020 में करा पाएंगे। तो दोस्तों, 2020 में बोलूँ तो वो तो करा देंगे, बट वही है कि दिसंबर ये 17 तारीख के बाद ही यहाँ पे, या हो सकता है कि उससे पहले भी कुछ बुलाएं। क्योंकि अगर मैं एग्जैक्ट बात करूं तो एक ही बैच है जो 12वें महीने तक गया है, वरना मैक्सिमम बैच आपका 27/11/2020 तक कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, 27/11/2020 तक कंप्लीट हो गया और 47 लोगों का बैच दिसंबर तक जाएगा। तो हो सकता है आपको नवंबर के लास्ट या दिसंबर में बुलाया जाए। बट दोस्तों, सबसे बड़ी जो लॉलीपॉप मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी तो शेड्यूल आने पर आप लोगों को पता चल जाएगा। ये लोग जो बोल रहे थे कि हम 1000 की ट्रेनिंग एक बार में कराएंगे, आप खुद देख सकते हैं जब इनकी ट्रेनिंग ये एक बार में नहीं करा रहे, 40-45 की बैच में करा रहे हैं, कोई भी बैच 50 से ऊपर का नहीं है, तो आपकी ट्रेनिंग 1000 के बैच में कैसे हो सकती है। और आप लोग 2300 हो, अगर ये 100-100 की बैच कराने स्टार्ट कर दिए महीने में, अगर इस हिसाब से देखा है तो 2 बैच ले रहे हैं, तो 200 कैंडिडेट्स एक महीने में, तो 200 कैंडिडेट्स से 2300 करने में आपको 12 महीने, मतलब पूरे 1 साल का शेड्यूल आ जाएगा। तो अगर आपको 1 साल इंतज़ार करना है तो आप चुपचाप बैठे रहिए। अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो आप आवाज़ उठाइए। आवाज़ उठाने में कुछ नहीं जाता, मैं पहले ही बोला हूँ कि कोई कुछ भी आपको नहीं कर सकता। आप जेन्युइन तरीके से आवाज़ उठाइए, उचित लैंग्वेज के साथ उठाइए। आप लोग फ़ोन करके गाली गलौज मत करिएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, वो उचित लैंग्वेज नहीं है। आप इंजीनियर हो,
तो इंजीनियर की तरह आप लोग ट्रीट किया करो। मैक्सिमम लोग यहाँ पे बीटेक डिप्लोमा वाले हैं, तो इनसे इतना उम्मीद कर सकता हूँ कुछ तरीके से बात कर सके बोर्ड से कि भाई क्या चल रहा है। बाकी अगला शेड्यूल आने पे आप सभी को पता चल जाएगा, बट मेरे हिसाब से तो नवंबर लास्ट दिसंबर मिड में यहाँ पे अगर कि उसको कंप्लीट होने के बाद करेंगे फिर तो 17 दिसंबर के बाद, वरना ये चाहे तो नवंबर के लास्ट में बैच स्टार्ट कर सकते हैं आप लोगों का, जो कि यहाँ पे बोला भी जा रहा है कि दिवाली के बाद ही आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। मतलब दिवाली नवंबर के लास्ट तक कंप्लीट होगी दिवाली छठ पूजा, मतलब या तो दिसंबर के स्टार्टिंग में या फिर वही 15 दिसंबर 17 दिसंबर के बाद जो भी बैच ये स्टार्ट करे इनकी मर्जी है, और वो कब तक चलेगी वो तो भगवान ही जाने। अगर 1000 का बुला दिए तब तो अच्छी बात है, बट मेरे हिसाब से 1000 की कैपेसिटी ना कानपुर सेंटर पे है ना ही बुलाई जा सकती है, और COVID-19 के टर्म्स को देखते हुए तो 1000 लोगों को बुला पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो अब आपके ऊपर है कि आपको 1 साल इंतज़ार करना है या थोड़ा सा आपको जोर लगा के जल्दी इस चीज़ को प्रोसेस कराना है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, अगर कोशिश किया जाए तो वो किया जा सकता है। तो आई होप आपको जितने भी यहाँ पे अब रहा होगा क्लियर हो चुका होगा। बाकी मेरा काम आपको सजेशन देना था, मैंने दे दिया, आप आगे आपकी मर्जी, आप लोग खुद समझदार हैं। बट यही कहूँगा कि थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, आप भी साल भर तक बेरोजगार बैठे रहोगे वो उचित भी नहीं है, क्योंकि सैलरी तो मिल नहीं रही आपको, और ऐसे ही आप लोग बैठे रह जाओगे तो आप लोग उस चीज़ को जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की नोटिस में बस इतना ही है, मिलते हैं अपने अगले नोटिस के साथ। कोई भी अपडेट आती है तो उन सबको आपके सामने लेके आ जाऊँगा। तब तक अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय।